एवेंजर्स एक ऐसी फिल्म है जिसकी पूरी दुनिया में लाखों करोड़ फैंस हैं। एंथनी रोसो और जॉय रूसो के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के अब तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं और तीनों ही सुपरहिट साबित हुए हैं। वहीं हल्का किरदार निभाने वाले एक्टर मार्क रफेलो ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया। जी हाँ, दरअसल हाल ही में मार्क शो द टुनाइट शो विद जिमी फैलन में गए थे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म एवेंजर्स के 4th पार्ट को लेकर एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसकी वजह से उन्हें इस फिल्म से हाथ धोना पड़ गया। दरअसल उन्होंने जिमी फैलन के सामने एवेंजर्स 4 के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को रिवील कर दिया। उन्होंने वो सब बातें बता दी जो एवेंजर्स के फैंस के लिए स्पॉइलर साबित हो सकती है। वहीं इसके बाद मार्क एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was off the record, homie. Please don't get me in trouble with Marvel again. DM me back. जिसके बाद उनका रिप्लाई जिमी करते हुए लिखते हैं, Dude, it's too late. Already sent the final show to Burbank for air. Are you sure you're gonna be in trouble? We could maybe bleep it out. What is DM? Mark, you're fired. इन सब बातों के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर रूस ब्रदर्स भी एक ट्वीट करते हुए लिखते हैं, Mark, you are fired. Well, अब देखना ये होगा कि क्या सच में हल्क इस फिल्म के 4th पार्ट से बाहर हो चुके हैं या फिर ये महज एक मजाक है। वैसे आपको बता दे चले, हल्क ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की रिलीज से पहले भी उन्होंने पूरा एंड नरेट कर दिया था, लेकिन उस इंटरव्यू को होल्ड में रखा गया था जब तक फिल्म थिएटर्स पर रिलीज नहीं होती। फिलहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।